तुलसी जी की कथा सुनते हैं। शिव महापुराण के अनुसार पौराणिक समय में दैत्यों का राजा दंभ हुआ करता था। वह बहुत ही बड़ा विष्णु भक्त था। कई सालों तक उसके यहाँ पर संतान नहीं हुई, तब उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाकर उनसे श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया। यह मंत्र प्राप्त कर उसने पुष्कर सरोवर में घोर तपस्या की। भगवान विष्णु उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे संतान प्राप्ति का वरदान दिया। भगवान विष्णु के वरदान से राजा दंभ के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। इस पुत्र का नाम शंखचूड़ रखा गया। बड़े होकर शंखचूड़ ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने के लिए कहा। तब शंखचूड़ ने वरदान मांगा कि वह हमेशा अजर अमर रहे, वह कोई भी देवता उसे नहीं मार पाए। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया और कहा कि बद्रीवन जाकर धर्मध्वज की पुत्री तुलसी, जो कि तपस्या कर रही है, उससे विवाह कर लो। जब तक तुलसी का सतीत्व है, तुम्हारा कोई बाल विवाह का नहीं कर सकेगा। शंखचूड़ ने वैसा ही किया और बद्रीवन जाकर धर्मध्वज की पुत्री तुलसी के साथ विवाह किया और सुखपूर्वक रहने लगा। उसने अपने बल से देवताओं, असुरों, दानवों, राक्षसों, गंधर्वों, नाग, किन्नर, मनुष्य तथा त्रिलोक के सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त कर ली। वह भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। शंखचूड़ के अत्याचारों से सभी देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी उन्हें विष्णु जी के पास लेकर गए। तब भगवान विष्णु ने कहा कि शंखचूड़ की मृत्यु भगवान शिव के त्रिशूल से होगी, इसलिए आप उनके पास जाए। भगवान शिव ने चित्ररथ नामक गण को अपना दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजा। चित्ररथ ने शंखचूड़ को समझाया कि वह देवताओं को उनका राज्य लौटा दे, परंतु शंखचूड़ ने मना कर दिया और कहा कि मैं महादेव से युद्ध करना चाहता हूँ। भगवान शिव को जब यह बात पता चली तो वे युद्ध के लिए तैयार हो गए। इस तरह देवताओं और दानवों में घमासान युद्ध हुआ, परंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण शंखचूड़ को देवता नहीं हरा पाए। भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध करने के लिए जैसे ही अपना त्रिशूल उठाया, तभी आकाशवाणी हुई कि जब तक शंखचूड़ के हाथ में श्रीहरि का कवच है और इसकी पत्नी का सतीत्व अखंडित है, तब तक इसका वध असंभव है। आकाशवाणी सुनकर भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर शंखचूड़ के पास गए और उसने श्रीहरि कवच दान में मांग लिया। शंखचूड़ ने वह कवच बिना किसी संकोच के दान कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु शंखचूड़ का रूप बनाकर तुलसी जी के पास गए। शंखचूड़ रूपी भगवान विष्णु ने तुलसी जी के महल के द्वार पर जाकर अपने विजय होने की सूचना दी। यह सुनकर तुलसी जी बहुत प्रसन्न हुई और पति रूप में आए भगवान का पूजन किया, वह रमण किया। ऐसा करते ही तुलसी जी का सतीत्व खंडित हो गया। तुलसी जी का सतीत्व खंडित होते ही वहीं दूसरी तरफ भगवान शिव ने युद्ध में अपने त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर दिया। इसके बाद जब तुलसी जी को पता चला कि ये उनके पति नहीं है बल्कि ये तो भगवान विष्णु है, तब क्रोध में आकर तुलसी जी ने भगवान को श्राप दिया कि तुमने छल पूर्वक मेरा धर्म भ्रष्ट किया है और मेरे पति को मार डाला, इसलिए मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पत्थर के होकर धरती पर रहोगे। तब भगवान विष्णु ने कहा कि देवी तुलसी, तुमने मेरे लिए भारतवर्ष में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या की है। तुम्हारा यह शरीर नदी रूप में बदलकर गंडकी नामक नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा। तुम पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष बन जाओगी और हमेशा मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए मैं शालिग्राम के रूप में रहूंगा। गंडकी नदी के तट पर मेरा वास होगा। या उसी के साथ ही तुलसी जी ने खुद को योगाग्नि से जलाकर भस्म कर लिया और जहां पर तुलसी जी की भस्म हुई वहां से तुलसी का पौधा प्रकट हुआ। और उस दिन के बाद से ही देवउठनी एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम व माता तुलसी का विवाह संपन्न कराया जाता है। इसके बाद से ही सभी मांगलिक कार्य प्रारंभ होते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी शालिग्राम विवाह कराने से बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होता है। यदि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।